ठीक है, लुकिंग बैक करके आपका एक चैप्टर है। इसमें क्या है, लुकिंग बैक मतलब क्या होता है कि आप जो KG 2 में पढ़कर आए हो ना, उसी का रिवीजन यहाँ पे से करवाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर्स के नेम लिखे हुए हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपको मैच करना है। जैसे ये 7 है तो इसको मैच यहाँ किया 7 में, ठीक है। सेकंड, काउंट एंड राइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनको काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब जैसे ये फ्लावर है ना, ये कितने फ्लावर हैं इस बॉक्स में, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट आपको काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, ठीक है, आपको इसके आगे के 3 नंबर लिखने हैं। जैसे 8 के बाद 9, ठीक है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ऐसे 13, 14, 15, 16। अब ये 16 है, 16 के बाद कौन से नंबर 3 आएंगे, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको ये करवाया गया है KG 2 में, इसलिए आपको खुद से करना है। ये फोर्थ, राइट द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर। आपको क्या करना है कि इसके बिफोर का नंबर लिखना है और इसके आफ्टर का नंबर। बिफोर मतलब पहले वाला, जैसे 7 के बिफोर क्या आता है 6, 13 के बिफोर क्या आता है, 13 के पहले क्या आता है 12, 30 के पहले क्या आता है 29। ये आफ्टर, जैसे 8 है ना, 8 के बाद 9, 16 के बाद 17, 25 के बाद 26, ठीक है। ये कंप्लीट करना है। राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये सिंबल्स आप जानते हो ना, ये आपको KG 2 में भी पढ़ाया गया है। इसका मीन्स होता है ग्रेटर मतलब बड़ा, ये क्या होता है लेस देन मतलब छोटा, और इसका सिंबल्स का मतलब क्या होता है इक्वल टू। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा होता है तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। जैसे ये 9 है और ये 4 है, तो 9 आपका बड़ा है ना, तो ये हमने ग्रेटर देन वाला साइन लगाया, ठीक है। अब जैसे ये क्या है 23 23, ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या लगाएंगे इक्वल टू, ठीक है। ये 12 है, ये 16 है, 12 बड़ा होता है 16 से या 16 बड़ा होता है 12 से, 12 छोटा होता है ना, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, लेस देन का। ये आपको करना है। सर्कल द स्मॉलर वन हैज़ इन फॉलो, मतलब आप इसमें आपको जो छोटा है ना उस पर सर्कल लगाना है। ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं साथ में, तो जो छोटा हो ना उस पर आपको सर्कल लगाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड द ऑब्जेक्ट, आपको ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर ऐड करने हैं। जैसे ये कितना है 1 2 3 4, ये 4, और ये कितना है 1 2 3। अब 4 और 3 कितना होगा 7, आप इनको एक साथ गिनिए तो 7 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये भी आपको उसी प्रकार करना है। ये कितने कैरेट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हुआ, आपको एक साथ इनको काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना आया 13। ऐसे आपको ये भी करना है। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि माइनस करना। जैसे ये आपके दिए हैं ना कितने 7 दिए हैं ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपको 3 लेस करने हैं, मतलब 3 आपको काटने हैं हटाने हैं। तो आप 3 में ऐसे कट का निशान लगाएंगे तो जो बचेगा उसको आपको यहाँ लिखना है, कितना बचा 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। जैसे ये फिश है, कितनी फिश है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, सॉरी कितनी फिश है ये 8, 8 में आपने यहाँ पे 2 को माइनस करना है, तो आप यहाँ पे 2 फिश को ऐसे कट कर दीजिए, तो कितनी बचती हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ऐसे आपको ये करना है। ट्रेस द गिवन शेप्स, आपको ये शेप्स ऐसा ट्रेस करना है पेंसिल से, ठीक है, और उसके नाम, इसकी आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर जिसके, ये हम शेप सभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको केवल इसका रिवीजन करवाया गया है, तो ये आपको एक्सरसाइज घर में करनी है, ठीक है।